वेलकम बैक टू माई चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं फैक्टराइजेशन के बारे में। फैक्टराइजेशन क्लास 9th में चैप्टर 4 में दिया हुआ है इन द बुक एम एल अग्रवाल। हम एम एल अग्रवाल की बुक को सॉल्व करेंगे, एक एक करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करने के बाद आप इस एक्सरसाइज को फिर से लगाइएगा अगर आपने इसमें कोई भी सोल्यूशन देखा है। अगर आप कोई सोल्यूशन देखते हैं तो उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 4.1 और फैक्टराइजेशन लेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दिया है दैट 8x, पहला क्वेश्चन है 8xy³ + 12x² y²। सो अगर हमें इसको फैक्टराइज करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स को देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले कॉन्स्टेंट्स को अलग कर लेंगे और उसके बाद वेरिएबल्स को अलग कर लेंगे। ठीक, तो कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, वो वैल्यूज दैट नेवर चेंज। ठीक है, कभी चेंज नहीं होती वैल्यू, जैसे पाई हमेशा कैसे रहेगी 22/7। अगर कोई वैल्यू 7 है तो वो हमेशा कैसी रहेगी, 7 रहेगी। आइए वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, दे चेंज। ठीक है, हम जैसा चाहें हम वैसे चेंज कर सकते हैं या फिर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उसको चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर लिखा है x = y + 2, तो y को हम 1 भी रख सकते हैं, y को हम 2 भी रख सकते हैं, अगर y इज़ अ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या सीखा कि जो वेरिएबल्स हैं दैट मीन्स दे कैन वेरी, एंड जो कॉन्स्टेंट हैं दे विल रिमेन एज इट इज़। तो चलिए वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो आप देख सकते हैं ये हमें x³ और x²y² कैसा दिख रहा है, वेरिएबल दिख रहा है, इजंट इट। तो चलिए देखते हैं अब आगे क्या करना है। हमने क्या किया, पहले x रख लिया और y रख लिया। ठीक है, उसके बाद हम ये चेक करेंगे कि किसके ऊपर पावर स्मॉलर है। ठीक है, जो भी स्मॉलर पावर होगी हम उसको यहाँ पर प्लेस कर देंगे। ठीक, तो सबसे पहले देखिए, पहले वाले में x की पावर 1 है, ठीक, और दूसरे वाले में x की पावर 2 है, तो स्मॉलर पावर क्या है, 1। वी विल प्लेस 1 ओवर हियर, बट 1 का कोई मतलब नहीं है तो हम ऐसे ही इसको छोड़ देंगे। आइए दूसरे वाले में देखते हैं, तो y की पावर पहले वाले में क्या है, 3, और दूसरे में क्या है, 2। तो इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नाउ देखिए यहाँ पर 8 और 12 बचा। 8 और 12 में कौन सी ऐसी वैल्यू लेंगे जो दोनों को डिवाइड करे या फिर हम इसको कॉमन ले सकें, तो उसको फाइंड आउट करने का, अगर आप मैथ्स में काफ़ी वीक हैं तो हम उसको फाइंड आउट करने का एक बहुत ईजी सा मेथड होता है जिसे हम कहते हैं HCF फाइंड करना। तो हम 8 और 12 को ले लेंगे, उसके बाद हम इसका HCF फाइंड करेंगे। तो ये 2 से डिवाइड होता है 4 और 6 में, अगेन 2 से डिवाइड होगा 2 और 3 में। नाउ दिस 2 एंड 3 कंटेन्स ओनली 1 नंबर जो हमारा कैसा होगा, कॉमन होगा। तो कॉमन नंबर कौन सा मिलेगा यहाँ, 1। तो अगर हम यहाँ 1 प्लेस करेंगे तो इसका कोई मतलब नहीं है। तो 2 × 2 हमें मिला 4, दैट मीन्स जो हाइएस्ट नंबर होगा, जिसे हम कहते हैं हाइएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो 4 होगा। ठीक है, अब देखिए हमें एक वैल्यू मिल गई। अब आगे हमें क्या करना है, एक बार हम इस वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको डिवाइड करेंगे उसी वैल्यू से। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। अभी तो हम पूरा सल्यूशन कर रहे हैं लेकिन करते करते हमें पता चल जाएगा कि हमें करना कैसे है। तो आइए यहाँ देखते हैं, इस जगह पे देखिएगा हमने क्या लिखा, 8xy³ / 4xy² तो 4 2 x से x कैंसिल और पावर 2 और पावर 3, खाली बचा y, तो हमें क्या मिला, 2y। तो हम अब क्या करेंगे, इसको हमने, इस वाली वैल्यू को हमने बाहर ले लिया है तो एक ब्रैकेट लगेगा, इस वाली वैल्यू को इससे डिवाइड करेंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी जो हमने यहाँ पर 2y रखी। अब हम क्या देखेंगे,
यहाँ पर हमारे कोई साइन नहीं है, मतलब यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, इजंट इट? और यहाँ पर हमारा पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव मिलके क्या बनेगा? पॉजिटिव. साइन कभी नहीं भूलना है, बिकॉज साइन इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट इन आर मैथमेटिक्स. आइए अब दूसरी वाली वैल्यू को देख लेते हैं. तो दूसरी वाली वैल्यू को जब हम 12x² y² को डिवाइड करेंगे 4xy² से, तो y² कैंसिल, x का 2 कैंसिल और 4 3 12, तो हमें क्या मिला? 3x मिला. सो दिस विल बी द आंसर ऑफ योर सॉल्यूशन नंबर 1. फॉर द सॉल्यूशन नंबर 2 यू कैन सी द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू फॉर वॉचिंग. रिमेंबर, अगर आपने कोई भी सोल्यूशन देखा है तो आप उसको फिर से प्रैक्टिस करिएगा विदाउट लुकिंग इन द वीडियो. थैंक यू.